लियो लियो लियो। अभी मैं जस्ट लियो मूवी देख के आ रहा हूँ और भाई जो ही जबरदस्त मूवी बनाई है लोकेश कनकराज ने, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। पिछले महीने जो तहलका एटली ने बचाया था अपनी जवान पिक्चर के साथ, वैसा ही कुछ सिमिलर तहलका भाई इस महीने लोकेश कनकराज ने बचा दिया है। मूवी वाकई में काफी दमदार है। थिएटर में भाई मेरा चिल्लाते चिल्लाते गला दर्द करने लगा था। तो अगर आप थिएटर हो तो अपनी बचा के जाना, और अगर आप एक फैन हो तो अपने गले का थोड़ा ध्यान रखना थिएटर में। अब डिटेल में रिव्यू शुरू करूं, उससे पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग, वीडियो के अंदर काफी सारे स्पॉइलर्स होने वाले हैं एलसीयू से रिलेटेड। हाँ, तुमने सही सुना, मूवी एलसीयू से जुड़ी हुई है। और भाई मूवी के ट्रेलर्स ने जो अपना काम किया, हाइप बना दी थी, कुछ रिवील नहीं किया था कि एलसीयू से जुड़ी है नहीं है, कोई भी हिंट नहीं दिया था। इंटरव्यू में लोकेश कनकराज ने कह दिया था कि भाई तुम्हें पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा कि कनेक्टेड है एलसीयू से कि नहीं। वो चीज बहुत ज्यादा काम करती है क्योंकि छोटे मोटे जितने भी कैमियोस तुमको एलसीयू से रिलेटेड देखने को मिलेंगे इस मूवी के अंदर, वो सभी काम करते हैं। और भाई तुम जितने भी कैरेक्टर्स को देखते हो भाई, जस्ट तुम चिल्ला देते हो ऐसा करके, भाई ये बंदा। और इतना ही नहीं भाई, इन सभी कैरेक्टर्स के साथ जितनी बार इनका कैमियो आता है वही पुराना बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जो कि पिछली की मूवीज में यूज हुआ रहता है। मूवी के अंदर पोस्ट क्रेडिट सीन है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे थिएटर वाले ने बहुत जल्दी मूवी काट दी तो मुझे नहीं पता चला। लेकिन एक प्रो टिप तुम्हें जरूर देता हूँ, मूवी के क्रेडिट्स मिस मत करना। अब वैसा कुछ तो नहीं है क्रेडिट्स के अंदर कि तुम देख के इंप्रेस हो जाओ, लेकिन सुन के जरूर इंप्रेस हो जाओगे। और अगर तुम अभी भी नहीं समझे तो इसके क्रेडिट्स में क्या नहीं है, लोकी वर्स का म्यूजिक, रोलेक्स का बैकग्राउंड म्यूजिक, विक्रम का म्यूजिक, कैथी का म्यूजिक, लियो का म्यूजिक, इन पांचों को मिला दो और जो म्यूजिक बनेगा वो तुम्हें देखने को मिलेगा इस मूवी के क्रेडिट्स वाले सीन में, जब क्रेडिट्स रोल होते हैं, तो उसे मिस मत करना बिल्कुल भी। अब चलो फाइनली इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो एक्चुअली में हम लोगों ने जैसे भी प्रेडिक्शंस की थी, मूवी थोड़ी बहुत वैसी है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स तुम्हें थ्रू आउट द मूवी देखने को मिलते रहेंगे। अब हमें ट्रेलर देख के ये लगा था कि भाई हैरल्ड दास, एंटनी दास और लियो दास तीनों भाई होंगे जो कि एक कंपनी चला रहे होंगे, लेकिन बाद में लियो शायद वहां से भाग जाएगा और अपनी दूसरी जिंदगी नॉर्थ इंडिया में शुरू करेगा। पर मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी में एक्चुअली लियो दास जो है वो एंटनी दास का बेटा रहता है और लियो उसकी अकेली औलाद भी नहीं रहती। और जब तुम्हें पता चलेगा कि क्यों लियो अपना घर बार छोड़ के, अपने बाप चाचा को छोड़ के नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट हुआ, तो भाई तुम बस देखते रह जाओगे। मूवी जब उस पॉइंट पे आती है तो तुम बस थिएटर को देख के एकदम शांत हो जाते हो कि भाई ये सारी चीजें हो कैसे रही, क्योंकि उस पॉइंट पे मूवी काफी ज्यादा वाइल्ड और ब्रूटल ट्विस्ट लेती है जो कि तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे इस मूवी से। और इसके अलावा भी लियो की जो बाकी पास्ट की स्टोरी बताई जाती है उसके अंदर भी काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिनको अगर तुम खुद थिएटर में एक्सपीरियंस करोगे तो ज्यादा बेटर है, मैं बताऊंगा तो उतना फील नहीं आएगा। इसके अलावा मूवी का फर्स्ट हाफ मुझे काफी पसंद आया क्योंकि ये मूवी उन मूवीज जैसी नहीं है जहाँ पर हीरो 40-50 गुंडों को मार के चौड़ में रहे। एक्चुअली में ये मूवी बताती है कि अगर हीरो ने अपने 5 गुंडों को मार दिया है तो उन 5 गुंडों की मौत का बदला लेने 50 और आएंगे, और उस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बंदे को क्या कुछ झेलना पड़ेगा, उसके परिवार को क्या कुछ झेलना पड़ सकता है, ये सब तुम्हें मूवी का फर्स्ट हाफ अच्छे से कवर करके देगा। और इन सब के ऊपर थलापति विजय की एक्टिंग चेरी ऑन टॉप का काम करती है क्योंकि वो सारे इमोशंस तुम्हें स्क्रीन पे फील होने लगते हैं। अब स्टोरी की बात हो ही चुकी है तो चलो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं इस मूवी से रिलेटेड। और मेरे ओपिनियन में इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट इसका एक्शन था जो कि लिटरली स्टैंड आउट करता है। इस मूवी को देख के लगता है कि भाई डायरेक्टर ने, यानी कि लोकेश कनकराज ने फॉर श्योर कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर, एंड इट डेफिनेटली वर्क्स। इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस वाकई में काफी ज्यादा ब्रूटल है और भाई तुम कभी नोटिस नहीं कर पाओगे कि ये बंदा कब कितना ब्रूटली किसको मारेगा। अब हालांकि इसके एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से इस मूवी को UA की रेटिंग मिली है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया के सेंसर बोर्ड ने अपने मरवा ली और इस मूवी के बहुत सारे सीन्स उन्होंने शायद काटे हैं। मुझे सिर्फ एक के बारे में पता चला मूवी देखते टाइम, वो है ये हैमर वाला सीन जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिला था मूवी से काट दिया गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि 2-3 सीन्स और नहीं काटे होंगे सेंसर बोर्ड ने। इसके बाद इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस में से जो एक सबसे बड़ी हाईलाइट निकल के आती है वो है इस मूवी का ये वाला चेस सीक्वेंस जो कि लिटरली आंखों के लिए एक ट्रीट है। मतलब तुम बस देखना शुरू कर दो और फिर तुम पलके नहीं झपका सकते क्योंकि ये इतना ज्यादा आई कैचिंग और इतना ज्यादा ब्रिलियंटली बनाया गया है। क्योंकि इस सीन को जिस कैमरा वर्क के साथ दिखाया गया है भाई, उस कैमरा वर्क को ही देख के आधे से ज्यादा थिएटर पागल हो चुकी है। जितना मुझे याद है बस मुझे शोर और चिल्लाहट याद है लोगों की। इस पूरे सीन में जो कैमरा है वो कार्स को ट्रैक कर रहा होता है, एंड समहाउ किसी न किसी पॉइंट पे ये कार का ट्रैकिंग शॉट ड्रोन शॉट में बदल जाता है और अचानक से तुम्हें एक वाइड एंगल वाला शॉट देखने को मिलेगा इस पूरी चीज का। अगेन ये कैमरा किसी एक चीज को ट्रैक करेगा, फिर किसी कार क्रैश को ट्रैक करके भाई वो एकदम रोल होके कैमरा वहां पे जाएगा, उसके बाद थलापति विजय को ट्रैक करेगा। आई मीन
जस्ट ब्रिलियंटली डन। और इतने रैपिड कैमरा शॉट्स के साथ अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक, यू कांट इमेजिन किस लेवल का एक्शन सीक्वेंस है वो। हालांकि एक चीज जो आपको इस पूरे एक्शन सीक्वेंस के दौरान लेट डाउन फील हो सकती है वो है इस मूवी का VFX, वो भी खासकर इस सीन के अंदर, क्योंकि ये वाला पूरा सीन CGI से बनाया हुआ है, तुमको देख के पता चल जाएगा, नोटिसेबल है इजिली। लेकिन फिर भी डायरेक्टर का जो विजन था इस पर्टिकुलर सीन को लेके, वो देख के, वो एफर्ट देख के आप इजिली इस पूरे सीन के VFX को इग्नोर कर सकते हो। अब इसके अलावा इस मूवी के फाइट सीक्वेंस में से एक और स्पेशल मेंशन मैं देना चाहूंगा इस मूवी का फाइनल फाइट सीन, क्योंकि वो वाकई में काफी शानदार है। अकेले थलापति विजय का कैरेक्टर है और उसके सामने 50-60 बंदे हैं हरल दास के, और इसके अलावा ये सीन आगे जाके एक सीढ़ी के अंदर टेक प्लेस करता है, जहां सीढ़ी के ऊपर अपने थलापति विजय और नीचे से बहुत सारे बंदे उनपे अटैक करने जा रहे हैं। ये वाला सीन देख के मुझे कंग फू हसल मूवी की याद आ गई। बचपन में अगर तुमने कभी यूटीवी एक्शन देखा हुआ तो तुम्हें पता होगा कि मैं किस सीन की बात कर रहा हूं। तो इस मूवी का एक्शन किसी भी एंगल से तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और हम अब एक्शन की बात कर ही रहे हैं तो उस चीज की भी बात कर लेते हैं जो कि एक्शन को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल और मासी बना देता है। अब इस मूवी को म्यूजिक दिया है वही अपने लेजेंड अनिरुद्ध भैया ने, जिनका काम अभी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रखा है। और अगर तुम कहते हो कि भाई तुमने इनका म्यूजिक नहीं सुना तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने इनका म्यूजिक सुन रखा है। जेलर, जवान, विक्रम, मास्टर जैसी तगड़ी मूवीज में इनके एक से एक तगड़े बैकग्राउंड म्यूजिक से, और इस मूवी के लिए भी उन्होंने काफी तगड़ा काम किया है, म्यूजिक एक एक नंबर के दिए हैं। लेकिन फिर भी मेरे ओपिनियन में इस मूवी का म्यूजिक, यानी कि जो सबसे बेस्ट वाला म्यूजिक है, वो थोड़ा अंडर यूटिलाइज रह गया। उसको एक दो जगह पे और यूज करते, एक दो जगह सीन पे और करते तो वो ज्यादा बेटर लगता। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेलर में बजने वाले इस वाले म्यूजिक की। अब हाँ, मूवी के अंदर एक सीन में इसको यूज किया गया है, लेकिन वो थोड़ा स्पीड अप करके यूज किया है तो वो फील नहीं आती। इसके अलावा जितने भी मासी वाले बैकग्राउंड म्यूजिक है उनमें से हेरल दास और एंटनी दास का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी काफी ज्यादा स्टैंड आउट करता है। और ये जितने भी मासी इंट्रो वाले बैकग्राउंड म्यूजिक है इनको छोड़ के एक और म्यूजिक यूज हुआ था, वो है जब लियो की पास्ट वाली स्टोरी बताई जाती है और लियो एक अपने करीबी कैरेक्टर को खो देता है, उसकी डेथ हो जाती है, वहां पे वो वाला म्यूजिक बजता है। एक इमोशनल सा म्यूजिक है जो कि मुझे काइंड ऑफ ओपेनहाइमर के म्यूजिक की याद दिला रहा था, वो वाला म्यूजिक काफी ज्यादा इम्पैक्ट लगा मुझे। इसके अलावा एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी काफी शानदार थी इस मूवी के अंदर, एंड डेफिनेटली इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स में से एक है, विजय जस्ट नेल्स हिज रोल मैन। स्पेसिफिकली स्टार्टिंग की वो जो हाइना वाली फाइट सीक्वेंस होती है, वो जब एंड होने लगती है वहां पे जो उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो ब्रिलियंटली काफी शानदार है। इसके अलावा जितने भी सीन्स है जिसमें थलापति विजय थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, वो चीज तुम्हें स्क्रीन में जरूर फील होगी उनके एक्टिंग के थ्रू। उनकी एक्टिंग उन सीन्स में चमक के बाहर आती है। अब वो बात अलग है कि मैंने पिक्चर को हिंदी लैंग्वेज में देखा और हिंदी डब जो हुई है, जिस क्वालिटी में डब हुई है, वो देख के वो भाई पूरी एक्टिंग का जो मजा है वो ठीक से नहीं मिल पाता। अब बात करते हैं इस मूवी के VFX की, तो देखो इस मूवी का VFX इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों में आ जाता है। कुछ जगह पे जैसे हाइना वाले सीन है वहां पे मूवी का VFX और CGI काफी तगड़ा है, एंड वहीं पे कुछ जगह जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो हाईवे वाले सीन है वहां पे इस मूवी का VFX थोड़ा वीक है, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा हिला हुआ है। एंड ऐसे ही कुछ माइनर VFX एरर तुम्हें थ्रू आउट द मूवी देखने को मिल जाएंगे, एंड मूवी के अंदर इतना सब्सटेंस तो है ही कि तुम इजीली इन सारे फॉल्ट्स को इग्नोर कर सको। इसके अलावा इस मूवी की एडिटिंग मेरे लिए सबसे बड़ा लेट डाउन थी, क्योंकि भाई इन्होंने म्यूजिक को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। ट्रेलर में यूज हुआ ये वाला म्यूजिक, ली ओ दास इज अ बैडएस। ये वाला म्यूजिक मूवी के अंदर ठीक से यूज नहीं किया गया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एंड इसके अलावा ब्लडी स्वीट वाला ये वाला बैकग्राउंड स्कोर, ये भी मूवी के अंदर सिर्फ एक बार यूज किया गया, इसको एक दो बार और यूज करते तो शायद बेहतर होता। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये एडिटिंग एरर मेरे लिए बहुत बड़ा लेट डाउन था, लेकिन इससे भी बड़ा एक और लेट डाउन है मेरे लिए, वो है इस मूवी की हिंदी डबिंग। अब जितने भी थलापति विजय की नॉर्मल डायलॉग्स है उनमें तो ये चीज फील नहीं होती, लेकिन जब भी कोई हैवी डायलॉग आता है जो कि इमोशनली ड्रिवन है, जिसमें थोड़ा एंगर दिखाना है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन दिखाना है, वो चीज तुम्हें बिल्कुल ऑफ लगती है। तो कुल मिला के हाई इंटेंसिटी वाले जितने भी डायलॉग है तो उनमें श्योरली डिसअपॉइंट करते इस मूवी की डबिंग, जिसके लिए तुम क्रेडिट गोल्ड माइंस को दे सकते हो और भाई ललित कुमार को भी दे दो, क्योंकि भाई पैसे के चक्कर में उसी ने राइट्स बेचे थे। इसके अलावा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए लोकेश कनकराज को, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने चीजों को सेटअप किया, मूवी की स्टार्टिंग में थलापति विजय हाइना को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जो कि तब बहुत फनी लगता है, लेकिन मूवी के एंड में उसका रीजन समझ में आता है कि भाई क्यों वो नाम वहां पे बताना जरूरी था मूवी के स्टार्टिंग में। तुम देखो मूवी फॉर श्योर एंजॉय करोगे, मेरे हिसाब से एक मस्ट वॉच मूवी है, एंड सिंस ये LCU से भी जुड़ चुकी है तो एक बड़ी बातचीत ऑलरेडी बन चुकी है ये मूवी। मूवी के एंड होते होते विक्रम की वॉइस अपने को सुनने को मिल
मिलती है। मुझे पता है कि वहाँ पे शायद कमल हसन का एक्टर ना हो, कोई और एक्टर को रख के वहाँ पे शूट किया गया हो, लेकिन वॉइस वहाँ पे कमल हसन की डाल दी है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से एक काफी अच्छी एंटरटेनिंग मूवी है। बाकी अगर तुम फैमिली के साथ देखना चाहो तो डिपेंड करता है, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा ब्रूटल एक्शन सीक्वेंसेस के साथ आती है और एक किस सीन भी है मूवी के अंदर, तो तुम वो मैनेज कर सकते हो तो जा सकते हो। तो खैर आज की इस वीडियो के लिए बस इतना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी, एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।